प्रोग्राम तमाशा और मैं हूं आयशे शकूर। नाजरीन, हफ्तावार में गाय की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फल हो, सब्जियां हो, दालें हो, हर चीज़ अवामी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। कभी पेट्रोल पम्प गिरा दिया जाता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ LPG की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम को कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी जानिब अवाम के जो नुमाइंदे हैं, अवाम के जो सियासतदान हैं जिनकी तरफ अवाम देखती है, वो अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने के बजाय मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? ठीक है। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मुझे बताएं, आपने वहाँ लिखा हुआ है 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री दे भी रहे हैं? दे रहे हैं सिस्टर, क्यों नहीं दे रहे? इसमें फी लीटर क्या रेट जा रहा है? वैसे तो 150 है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ने वाटर ऐड किया हुआ है, वेट लूज़ है, उस हिसाब से मैनेज करके आवाम को दे रहे हैं ताकि उनका भी सर्वाइवल हो जाए ना। पहले ही 150 का लीटर है, तो आप अगर एक साथ 1 लीटर फ्री दे देंगे तो आपको क्या? वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा वाटर ऐड है, फिर उसके साथ थोड़ा सा वेट लूज़ किया हुआ है। आवाम को बताते हैं कि यार इस तरह है, वेट लूज़ है, वाटर है इंक्लूड, उसके दोनों को मैनेज करके आवाम को भी सर सूटेबल हो जाता है, हमें हमारा भी सर्वाइवल हो जाता है। सही है, तो कैसा चल रहा है काम, कितना रोज लोग ले? कुछ भी नहीं सिस्टर, ख़त्म हो गया है। जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, इस मुल्क में आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होता। कहाँ चला गया डॉलर आपका? 300+ चला गया है। आपके मुल्क में कहाँ से आएगा? इन्वेस्टर नहीं है, बैंक्स आपके काम नहीं कर रहे, फाइनेंशियली आपका बंदा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तो सब कुछ मैनेज होगा ना, कहाँ पे चला गया ये, ख़त्म होगी कहानी। ठीक है, इलेक्शंस क्या लगते हैं होंगे? नहीं होने देंगे, ताकतवर कहाँ होने देंगे? इस मुल्क में 70 साल तक तो वो हुकूमत कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो होने देंगे, वो नहीं चाहेंगे तो किस भी सूरत में नहीं होने देंगे। मुझे ये बताएं, इतनी सियासी जमातें हैं, आवाम को कहीं से रिलीफ मिल रहा है आपको पर्सनली? अब मुझे पर्सनली नहीं मिल रहा है, पूरी किसी को भी नहीं मिल रहा इस मुल्क में 70 साल से, किसी को भी कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट सियासतदान, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, ये जो है अब मैं वगैरह इनको, इसके अलावा हमें कहाँ मिलता है? आवाम वहीं पर है जहाँ से शुरू से थी, आज भी वहीं पर ही है, क्योंकि आवाम खुद नहीं बदलना चाह रही ना अपने आप को। जब तक आप अपने अपने हक के लिए नहीं निकलोगे, आपको कहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, छीना। अभी तक जितना दूध काफ़ी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ, कितना सेल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक मन भी नहीं हुआ, खड़े हुए आपके सामने, आपने देखा है कस्टमर आया हुआ। आवाम के पास पैसा नहीं है मैम, पैसा होगा तो खरीदेगी ना। इंसान ने अपनी, आवाम ने अपनी कंजम्पशन कम कर दी है, जहाँ पे दूध तो एक बुनियादी ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल हो, जो बुनियादी है वही तो लेके जा रहे हैं ना। एक्स्ट्रा हो गया, शेकीज हो गए, दूध चाय बनाती हैं, वो तो आवाम ने तर्क कर दिए, तो बच्चों के लिए, अपने तो बंदा कर लेता है गुजारा, बच्चों के लिए तो लेके जाना पड़ता है ना, वो थोड़ा बहुत ले जाते हैं, थोड़ा सा पानी वो भी ऐड कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये निज़ाम चल रहा है। आपने बताया है कि आज उस तरह से अभी सेल नहीं हुई, लोग नहीं आए, ख़रीदार नहीं आ रहे, तो घर के भी तो अखराजात पूरे करने होते हैं ना, सो चीज़ें मैनेज, तो किस तरह मैनेज करेंगे ना? आप मुझे बताएं ना, आप तो कह रही हैं कि मैनेज होते हैं इंसान, फिर अगर पैसा, कोई पूछ रही हूँ आप फिर किस तरह से करते हैं जब इतनी ज़रूरियात हो? अपने एक्सपेंसेस कम किए हुए हैं, अपनी हज़रत अली का कॉल है ना कि आप ज़रूरतें पालो, ख्वाहिशें मत पालो। ज़रूरतें पूरी करता है अल्लाह, ख्वाहिशें नहीं पूरी करता। ख्वाहिशें कम की हैं, ज़रूरतें मालिक ने पूरी करनी है, वो अल्लाह कर ही देता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सेलमैन ही, लेकिन काम शाम तो वैसे ही बंद हुए हैं सारे, लेकिन फ़िलहाल फ्री हैं अभी। फिलहाल फ्री हैं तो फिर घर का गुजारा किस तरह से करते हैं? काफ़ी जिम्मेदारियाँ आई होती हैं। हाँ ऐसे ही है, जिम्मेदारियाँ तो बहुत हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि अल्लाह की तरफ से गुजारा रहा, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि गुजारा ना हो। ठीक है, तो पेट्रोल भी महंगा हो गया फिर से, क्या लगता है दोबारा भी महंगा हो जाएगा? हालात तो यही नज़र आ रहे हैं, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम सस्ता हो हमारा कोई गुजारा वगैरह हो, लेकिन चीज़ें तो मुसलसल महंगी पे महंगी होती जा रही है। कोई चीज़ आपको लगता है कि सस्ती हो रही है? नहीं कुछ भी नहीं, तूफ़ान आया हुआ हर चीज़ पे, तूफ़ान आया हुआ, कोई चीज़ नहीं सस्ती, जो मर्जी चीज़ लेने चले जाओ वो समझ से बाहर है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रॉबेरीज का स्टॉल लगाया हुआ है आपने, कितनी सेल होगी? सेल 8-10 हज़ार होती है। अच्छा, तो क्या रेट क्या जा रहा है? अगर 200-250 रुपये अगर सेल हो जाए, 10-12 हज़ार रुपया फिर 1000-1200 मिल जाता है, अगर ना हो तो फिर नहीं मिलता। तो अभी तो आई है सीज़न और इतने ज़्यादा रेट्स हो गए, आवाम बेचारी कहाँ से पूरे करेगी? ये यहाँ से पूरे करेगी, जो भी बंदा पाकिस्तानी है ना, 100 की एक बात कहूँगा, ये चैनल पे चलानी है आपने, जिसका एक है ना वो पाकिस्तान से प्यार करेगा। एंड मेरा ये है, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आते हैं एंटर के जाती, जिस बंदे का होगा ना, एक का होगा हुक्मरानों में से,
वो इस पाकिस्तान का ख्याल करेगा। हमारे बच्चे भी ये रेडी लगाते हैं, हम भी रेडी लगाते हैं, हम सड़कों पे धूल खाते हैं। वाला भी नजायज, जहाँ पे एक कानून और है कि जो वाला ज़्यादा पर्चे देगा उसको तरक्की देंगे, जो दूसरे की फेवर करेगा उसको तरक्की देंगे। ये कानून सारे ख़त्म होने चाहिए, इस्लामी कानून और मेरिट पे, जैसे आप पढ़ लिख के ये हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, मेरिट पे आना चाहिए। ये जिसको दूसरी क्लास में फेल हो गया वो अफसर लगा हुआ, गरीब बंदे का बच्चा, यानी मेरिट पे भर्तियां कहीं भी, मेरिट पे पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान गंदगी में आ गया। मैं 2 साल UAE में रह के आया हूँ, वहाँ पर पाकिस्तानी को कपड़े पहनने वाले को अच्छा नहीं जानते थे। क्या वजह यह है कि ये भी हम डकैत भी हैं हम, और हम दो नंबरी भी करते हैं हर चीज़ में। ये मैं ही देख लो कि मैंने एक दाना आपको गलत दे देना, अगर मुझ में ये करप्शन खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ जबरदस्त टिकियाँ लगी हुई हैं, कैसा चल रहा है काम आज? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर हाल में शुक्र है, रोटी वो दे रहा है ना खाने को, यही शुक्र है अल्लाह का। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, महंगाई पे महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। महंगाई तो हमने खुद की हुई है, हम लोगों ने खुद की है, हुक्मरानों ने क्या करना है? जो चीज़ महंगी हुई भी ना खाएं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मेरी 43 एज हो गई है, मैं 43 एज से ये सुनता आ रहा हूँ कि महंगाई महंगाई महंगाई। जो इंसान खसारे में है ना, तो उसकी वजह यही है कि वो नाशुक्र है। जो तो अगर शुक्र अदा करके खा लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। रोटी वो दे रहा है खाने को, खा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं खा रहे हैं। हाँ, तुम्हें लग रही महंगाई ना, तुम वो चीज़ मत खरीदो। चिकन का रेट देखो 602 रुपये है, ना खाएं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंडा 243 हो गया आज, 243 हो गया, डेली का 1 रुपया बढ़ रहा है। कर रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ एक टिक्की में 1 अंडा डलवाते थे वहाँ 2-2 अंडे डलवाते हैं, क्या करेंगे। वैसे ही आवाम को रोने की आदत पड़ गई है, और कुछ भी नहीं है। कर रहे हो, जिस चीज़ तुम्हें महंगी नज़र आती है उसको ना लो, उसका बाइकाट कर दो, आवाम का ये हक बनता है। बीच में मैं भी तो बाइकआउट कर देंगे, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें, आटा है, आटा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल बुनियादी ज़रूरत है वो भी महंगा हो गया। यहाँ पे वो 2-2 तोड़े लेके जाते हैं ना, वहाँ पे 1 तोड़ा ले जाएं। सवाल तो ये पैदा होता है ना, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ज़्यादा स्टॉक करने के बजाय उसको कम यूज़ कर लें, नहीं सड़ेगी भाई साहब, उसको कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। आवाम खुद इस चीज़ पर कोऑपरेट करे, जो चीज़ महंगी हुई वो मत लें। मैंने अपने मोहल्ले में से एक पेस्ट ली आज दोपहर को, जब मैंने दोपहर को फ़ौरन पिया, उन्होंने लगाया हुआ 80 रुपीज़ उसका, सबसे छोटी साइज़ 80 रुपीज़, उसके पीछे टिमकना लगा हुआ है, रेट के ऊपर टिमकना ऐसे लगा हुआ है, उसको मैंने यूं करके नाखून से खुर्चा है, उसके ऊपर 60 रुपीज़ लिखा हुआ है। 20 रुपये का होता है, 20 रुपीज़ ज़्यादा है, पूछने वाला कोई है ही नहीं। भाई किधर गई है, कहाँ गई है हुक्मरान, किधर है? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, आवाम को अपनी पड़ी हुई है। यही आवाम उस चीज़ का बाइकाट करे, अदरवाइज उस चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली वो चीज़ कवर हो जाएगी। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि 60 रुपए की चीज़ थी, 80 की बेच रहे थे, तो ये बिल्कुल यही, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो क्या बनेगा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं बनेगा, बनना यही है कि इसका जो भी करने वाला है ना, पाकिस्तान का आवाम खुद है। आवाम उस चीज़ के पीछे मत जाए जिस चीज़ की, जो चीज़ महंगी हुई हुई है। अमीर के पास पैसा है वो लेके रख रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं ले सकता, नहीं अफोर्डेबल कर सकता। सवाल तो ये पैदा होता है कि अमीर भी ना ख़रीदे, जो अमीर ख़रीदा तो उसके साथ गरीब पिस रहा है। जो अमीर है उसने पैसा लेके डॉलर स्टॉक कर लिया, डॉलर का रेट ऊपर जाता है, वो स्टॉक करके अपनी रकम बनाई जा रहा है। सुनहरा अमीर पे अमीर हो ही जा रहा है, जो डॉलर है जिनके पास पैसा वो अमीर पे अमीर हो ही जा रहा है, जो गरीब है वो बेचारा गरीब हो ही जा रहा है, वो उसके तो घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन रोटी उससे भी अल्लाह पाक दे रहा है, वो तो शुक्र अदा करके खा रहा है, जैसे भी कोऑपरेट कर रहा है। वो जो चीज़ महंगी होती है वो नहीं लेता, जो गरीब है, जो अमीर है ना वो लेके उस चीज़ को और ऊपर रेट कर देता है। घी 550 रुपये है इस वक्त, 580 रुपये, अब इस रेट के ऊपर ये बेचारी के आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपया, इसके बच्चे हैं 10 खाने वाले, वो क्या करेगा? किलो घी लेके या आधा किलो घी में क्या करेगा, क्या सब्जी पकाएगा, क्या पीछे भी इतनी चीज़ें लेनी है, वो भी टमाटर के रेट से। टमाटर तो इस वक्त नीचे आया हुआ है, 40-50 रुपीज़ पे जा रहा है, ठीक है ना। बकाया प्याज फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, 750 रुपये फिर चला गया, 750 रुपये धड़ी पे फिर हो गया प्याज, वहाँ पे क्या करेगा वो गरीब, वहाँ कैसे लेगी। सवाल ये पैदा होता है, हमारे जो मुल्क का किया ना अमीरों ने किया है, जो महंगाई के असल गुनहगार है ना वो अमीर लोग हैं, गरीब तो बेचारा पीसेगा सिर्फ अमीर की वजह से। दिहाड़ीदार तबका ऐसे मर गया, जैसे आप जाके उनको देखें ना आपकी आँखों में आंसू आ जाए, उनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं है इस वक्त, एक वक्त की रोटी जिसको बोलते हैं वो। खुदारा क्या कर रहे हो आप लोग, वो ख्याल करो,
वैसे कहते हैं कि हमने इस तरीके से कर देना गरीब को, ऐसे कर देना, फलां कर देना, ढींग कर देना, लेकिन कम से कम इतना ख्याल करो, घरों में जाकर देखो, देखोगे ना तुम्हारे बच्चों तो एसीयों में सो रहे हैं, एयर कंडीशनों में सो रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चे के लिए बेचारे के पास पंखा नहीं है, जो पंखा है तो उसके बिल से बिल ला के ना उसकी कमर तोड़ दी गई है। बिल्स इतने आ जाते हैं कि बेचारा जिसके एक गरीब की 1,000 रुपये दिहाड़ी है वो खाना पूरा करेगा, राशन पूरा करेगा या बिल दे, अदरवाइज किसी के हक में ये नहीं है, सिर्फ ये अमीर आदमी है जो तो अगर गरीब का ख्याल करके वो चीज़ अफोर्डेबल करना छोड़ दे, मत ले, जब वो चीज़ नहीं ना खरीदी जाएगी, महंगाई अपने आप लेवल पे नहीं आएगी तो मुझे पकड़ लेना यहाँ पे आके, ऐटोमेटिकली महंगाई नीचे आएगी, ना अंडा खाएं, छोड़ दें, बगैर अंडों के टिक्कियाँ बनवा के खाएं, मुझे अंडे में से पैसे आते हैं लेकिन मैं इस चीज़ में हक में नहीं हूँ, क्योंकि दूसरा आदमी तो नहीं है, अब 2 टिक्कियाँ अंडा मैं 180 का दे रहा हूँ, घी किस रेट पर है, प्याज किस रेट पर है, टमाटर कहाँ है, दाल जो मैं लेता था 70-80 रुपये किलो, इस वक्त ले रहा हूँ 260 रुपये किलो, तो क्या करेंगे, बच्चों को रोटी तो कमानी है, हम लोग चादर से बाहर पाँव नहीं निकालते, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, मैं चादर से बाहर पाँव नहीं निकालता, पैर बाहर निकालूंगा सड़ जाएंगे, जो तो अगर मैं उसको कवर करके चलूंगा ना तो ऑटोमेटिकली निज़ाम ठीक चलेगा। जी बहुत खूबसूरत बात की है कि अपनी ज़रूरियात जो है उनको लिमिटेड कर लें, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, खैरियत। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत ठंडा मट्टा चल रहा जी। क्या वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से महंगाई की वजह तो लोगों को पैसे नहीं है, तो लोग कहते लेना की इसलिए। तो सब्जियां मैं देख रही हूँ, टमाटर पड़े हैं, लीमू पड़े हैं, आलू पड़े हैं, लीमू का क्या रेट जा रहा है? नींबू 40 रुपए पाव। 40 रुपए के पाव है। हाँ जी। और शिमला मिर्च का क्या जा रहा है? शिमला जी 100 रुपए किलो। 100 रुपए की किलो, ठीक है। टमाटर 40 रुपए जा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या लोग आते हैं खरीदते हैं? खरीदते हैं, बस थोड़ा बहुत जिन्हें किलो लेना हो पागिया लेकर गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी। प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, क्या वजह है? प्याज जरा अपना सिंध तो आ रहा है, इस वास्ते महंगा है, पंजाब का आएगा तो फिर हो जाएगा, सिंध का किराया भी बहुत पैंदा गड्डी तो आने का, और प्याज अभी 150 रुपये किलो बेच रहे हैं सिंध का भी। हाँ जी। इस तो अलावा और कितने साल हो गए आपको यहाँ पर इस तरह काम करते हैं? मुझे 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से कर रहे हैं। कितने बच्चे? कितने आप? बच्चे मेरे 6 हैं। वो भी कमाते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, बच्चियाँ 4 थी, वो ब्याह देती हैं, 2 बच्चे हैं, वो बस करते हैं। ठीक है। बच्चियों की शादी फिर पहले सही टाइम में कर दी जब महंगाई ज़्यादा? हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम तो पहले कर दी थी। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि आपके 25 साल से है यहाँ पर आप काम करते हैं, तो कभी आपने इतनी महंगाई देखी है जितनी आप? नहीं देखी, नहीं देखी, पहली दफ़ा इतनी देखी, तौबा तौबा होगी, हर बंदा परेशान है, हर बंदा घर दी हांडी नहीं पूरी हो रही, इस वास्ते लोग बहुत ही परेशान हुए हैं हर चीज तो। तो बिल कितना आ जाता है बिजली? बिल आया 3,000 रुपया घर का। अभी तो सर्दियां थी, वैसे इस्तेमाल भी नहीं होता था, आगे गर्मियों में भी नहीं होता। हाँ जी, गर्मियां तो बत्ती भी घट होनी है, आनी भी नहीं, तो बिल भी बहुत ज़्यादा आने। मुझे ये बताए, सर्दियों में गैस आती थी? नहीं आती थी, बिल भर दे रहे हैं, गैस नहीं आती रही, हूँ भी चली जाती, हूँ भी चली जाती, हूँ भी बंद हो जाती। गर्मियों के इन्होंने बिल बड़े ही भेजे ने, बड़े ही भेजे ने, सर्दियों तो इन्ना बिल आया तो गर्मियों तो बत्ती भी घट। हाँ, बहुत ज़्यादा होएगा जी, बहुत बुरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। केले बहुत खूबसूरत पड़े हुए हैं, क्या दर्जन रेट? माशाल्लाह, ये मंडी से भी बहुत खूबसूरत बिकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये केला ये 250 रुपये 200 मिलेगा आपको? हाँ। जी, केला 200 रुपये दर्जन, और बताएं। मुझे आप डिस्काउंट दे रहे हैं या वैसे भी लोगों को? नहीं, पूरी मार्केट में 300-400 रुपये केले का रेट है। हाँ जी। इतना ज़्यादा रेट केले का क्यों हो गया? बाकी तो फिर स्ट्रॉबेरी तो अभी आई है। स्ट्रॉबेरी है 250 रुपये किलो है, 240 है, 40-80 रुपये पाओ है, तो ये रेट है इनका सिर्फ 240 रुपये। हाँ जी। और किन्नू अब जा रहे हैं तो इनका क्या रेट? ये एंड हो गया, किन्नू 250 रुपये दर्जन है। तो लोग आते हैं खरीदते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं खरीदते। और अंगूर का क्या रेट जा रहा है? अंगूर है 60 रुपये पाओ। 60 रुपये का पाओ। हाँ जी, किलो 250 रुपये किलो, 240 रुपये का है जी। तो महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है, फलों की कीमतें भी इतनी ज़्यादा है, मंडी में इतने महंगाई है, कुछ सोच ही नहीं सकते। जो पहले 20,000 का 10,000 का सौदा लाते हैं, 25-30-40,000 रुपये का सौदा लाते हैं, रेडी में कुछ भी नहीं होता। तो क्या लोग आते हैं आके खरीद रहे हैं? सही, ठीक है, रेट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं, खरीदते हैं लोग। क्या रेट्स कम होंगे कभी? बाकी चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं, फल की आप कीमतें इतनी बता रहे हैं। अब रोजे आ रहे हैं, ये केले के सिर्फ 4 अड्डे मंडी में लगते हैं, 100-200 अड्डा लगता था, अब 4-5 अड्डे लगते हैं। ये केला 200-300-400 रुपये मंडी से पड़ रहा है, जो थोड़ा सा इससे बढ़ा है। तो
रोज़ों में तो आगे लोग फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट इतना इस्तेमाल होता है और कीमतें इसकी तोबा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे भी इससे ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। किरान रोजी करते हैं ना, ये सारा उनका मामला है। ये जो हमारे मिर्च शेड है ना, इतनी ढाई ढाई तीन तीन दो दो लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं ना, ये सारा उनका कसूर है। हम बोले ना कि हमारा ये वज़ीर आज़म का कसूर, किसी का कसूर नहीं है। ये जितना सेब बढ़ा हुआ ना, सारा शोरों में बढ़ा हुआ, जितनी खजूर बड़ी शोरों में बढ़ी, सेब है सारा शोरों में बढ़ा हुआ। ये सारा शोरों से बाहर निकाल दो, ये देखे खुद भी खुद, ये सेब 100 रुपये किलो बिकेगा, 100 रुपये किलो बिकेगा। सारा खजूर जितनी बड़ी 700 रुपये 600 रुपये किलो बिक रही है। ये स्टोरों से बाहर निकाल दें, ये 200 रुपये किलो से ज़्यादा दें, अब 600-700 रुपये किलो बिक रही है। तीन गुना कीमत कम हो जाएगी। ये मुझे शेड वाले आते नहीं है, बड़े ताजर आ उनके घर में फलों की बेटियों पैसे भेज देते हैं, वो इधर आते नहीं, बाहर उनको पूछता नहीं, वो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं। खीरान दोस्त किया हुआ है, सबने रोजे आते जाएंगे, सब निकाल लेंगे और रेट्स डबल। सबने खीरान दोस्ती की हुई है, इनके माल इधर पड़े पड़े महंगे हो रहे हैं। हम भी ये फल लगाते हैं, हमारी भी कोशिश होती है जितना सस्ता होगा ना उतना हमें फायदा होगा, हमें बचत ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये जितना महंगा 400 रुपये किलो ना, कोई भी आएगा ना, ये किलो से ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा। अगर ये 500 रुपये, ये 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो होगा ना, हर गरीब आदमी कोशिश होगी किलो से 2 किलो लेकर जाए। जो 2 किलो के बजाय वो 2 किलो लेकर जाएगा, हमें ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये खीरा दोस्ती है, वो अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं, मर्जी से भेजते हैं, उसको बोलो काम करने, वो कहते निकाल लेना लो, नहीं लेना जाओ। अभी तो जितनी कीमतें हैं, लोग बेचारे आके पूछ के देख के चले जाते होंगे। ये केला नहीं, ये केला हम पहले ये कम से कम 20 टोटे रोज के बेचते थे, यानी 15 से 20 हज़ार का केला, खाली केला बेचते थे। ठीक है, अब 5 हज़ार का केला नहीं बिकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-2500 केला बिकता सारे दिन में। सुबह के आके बैठ जाए, सुबह सारा दिन बैठे रहते, सुस्ती पड़ी जाती, गाहक नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 50 गाहक आएगा, 50 में 500 लेंगे, 45 वापस मुड़ के जाएंगे, रेट पूछे चले जाएंगे। मौजूद थे, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, एक ही उनका भी मसला है, महंगाई महंगाई महंगाई। हम पहले प्रोग्राम्स भी करते हैं तब भी बात करते हैं, ये जो महंगाई का इशू है ये रिजॉल्व नहीं होता जा रहा, मज़ीद इजाफे पर इजाफा होता जा रहा है। आगे बढ़ते और देखते हैं कि माजी में क्या सूरत हाल थी, कुछ बेहतर हुई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं? मेरी अपनी वर्कशॉप है खलाल मशीन की, मगर हम आवाम की ना चक्की में पिस गए हैं, हम लोग काम बिल्कुल नहीं है और हम लोग रोने पे आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है ना इस टाइम आवाम का खून निचोड़ रही है। इनको पैसा अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाते, आवाम का देखें, ये सब हम लोग मेहनत करते हैं मगर हमारी जो मेहनत ना हमें वो भी नहीं मिलती, हमारी मेहनत से भी हमसे ली जाती है बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। पहले गैस का बिल आता था 200 रुपया, अब 500 रुपया हो गया। पानी का बिल 300 आता, अब 600 हो गया। ठीक है, बिजली के बिल वो भी डबल हो गए। हमारी जो मजदूरियाँ वो नहीं बढ़ती, मार्केटों में काम नहीं है, हम जो काम करते थे उससे भी कम मार्जिन में करने के लिए, क्योंकि घर का हमने खर्चा चलाना है। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, कोई ये हम MNA MPA अपनी जेब से 1 रुपया भी आवाम की लाभ के लिए कोई चीज़ नहीं लगाते। हम अगर इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे हाल पर भी कलम करें, क्योंकि हमारी तरफ भी देखें, अपनी जेबों में भरें, क्योंकि जितनी भी आई गवर्नमेंट्स हमने खुद देखे हैं, जो गवर्नमेंट में आते हैं दिन से दिन रात में कुछ हो जाते हैं। तो मगर हम आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, हम यही कहते हैं आवाम का भी सोचें, अपनी तरफ ना देखें, मरना सबने है। जिस टाइम आवाम की जो सूरत हाल है ना, वो इस टाइम ये है कि आवाम बस कहते कोई अच्छा लीडर मिले। हम जितने भी हैं, ये MNA MPA पीपल पार्टी नून लीग काफ लीग जितने भी हैं, इन सब की ना हुक्मरानी या ख़त्म होने वाली है। आवाम ने एक दफ़ा इनको पकड़ना ज़रूर है, वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आवाम की परेशानी आपने देखी है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे उनकी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि वो भी मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? आलू बेचते हैं। तो क्या आलू के क्या रेट चल रहे हैं? आलू बेच रहे 180 के 5 किलो, तो बचत कोई नहीं है। कि अड्डे का 18,000 रुपये किराया निकालना बड़ा मुश्किल हुआ है, 3 महीने से हम अपने पास से दे रहे हैं, और 2 लड़के भी रखे दिहाड़ी में 500-500, वो भी नहीं निकलती है। बड़े परेशान हुए हैं, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं,
कि पेट्रोल की वजह से भी बहुत परेशान है घर जी के बैकर। मसल हम चार जी घर भी हैं, भाई है छोटा उसकी बेगम है, मैं हूँ, एक बेटा है मेरा और छोटे भाई की बेटी बेटा है। कि 500 रुपये डेली दूध आता है, पैम्पर ये वो खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो गया। और कमाने वाले सिर्फ आप हैं? हाँ जी, मैं हूँ और दो भाई हैं छोटे, ये पीछे खड़े। तो तीनों का क्या मिलाकर भी घर का खर्चा नहीं पूरा? नहीं नहीं, अड्डे पल्ले से जा रहे हैं, 18,000 रुपये अड्डे का किराया वो पल्ले से जा रहे हैं। अच्छा, हर माह वो किराया देना होता है और उसके बाद इतनी क्या सेल हो जाती है कि कुछ बचत हो जाए? बचत 1,000 रुपये बचता, वो अड्डे का किराया ही चले जाता है। ऐसे में फिर बिजली का बिल कैसे पूरा किया जाए, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है उसका? पिछले महीने हमारा 50,000 रुपये बिल उतारा बिजली का, तो बहुत मुश्किल हुई है, कारोबार बंद हुए हुए थोड़ा। जो 1,800 रुपये का था बीच में, आलू ख़राब भी निकल रहे, वो नुकसान है हमारा। और सस्ते बेचते उसके बावजूद वहाँ कहते हैं सस्ता खराब, पेट्रोल महंगा है, उससे किराए बढ़ गए हम। बात है जी, अवामी परेशानी जो है वो आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या करते हैं? बस रिटायर है गए। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको रिटायर? 5 साल। तो 5 साल हो गए हैं, उससे पहले आपने जो है एक अच्छा सफ़र देखा है, एक अच्छा आपकी जर्नी रही है, तो क्या कभी इतनी महंगाई आपने देखी है? महंगाई इन्नी नहीं देखी कभी, लेकिन हमने उमरान खान आया सी, लै के जो आए सन, तो महंगाई तो होनी सी, लै के तो आया सी, उन्हें करके जाना सी कुछ ना कुछ। अभी मैंने यहाँ बात की है तो मुझे यहाँ बहुत से लोगों ने यही कहा है कि वहाँ पर जब उनके दौरे हुकूमत था तो कुछ चीज़ें सस्ती थी, अब तो बहुत बुरा हाल। नहीं जी, उदो सस्तियाँ सन, उदो उन्हें काम तो शुरू करता सी ना, काम महंगाई का काम तो शुरू किया सी ना उन्हें, तो उन्हें जिस IMF के नाल मुआहदा तोड़िया तो सारा कुछ होया, IMF ना मुआहदा तोड़िया ता ही ना, हूँ तो शुभाशरी 300 रुपये लीटर करना चाहिए अभी पेट्रोल, यह भी घट किया उन्हें 300 रुपये लीटर करे। तो होगा, अब आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, तो अगर ये आए हैं तो इनको चाहिए थोड़ा सा कुछ रिलीफ। स्टेबल करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पैना है ना, हूँ हूँ कुछ ना कुछ करना पैना है, पाकिस्तान स्टेबल है थोड़ा होना, कोई थोड़ा बहुत मतलब कि कुर्बानियाँ देनिया पैनिया ने, कुछ तंगियाँ कटनिया पैनिया ने, तो फिर ही है। तो आपको नहीं लगता कि कुर्बानियाँ जो है सारी वो बेचारी गरीब आवाम ही देती जा रही है? आवाम ही देती है, लेकिन मतलब उन्होंने चाहिए, सियासतदानों भी चाहिए कि मतलब कि वो भी कुछ करन, इन्हें अपने खर्चे घटान, तो फिर असी तो कुर्बानी वास्ते बने, कुर्बानी वास्ते हाँ। बिल नहीं दे सकता, मजबूर औरत हाँ, बंदा मेरा हॉस्पिटल है, बच्चे की लत टुटी है, एक बच्चा किराए ते मैं रहती हूँ, महंगाई इतनी है, 200 किलो प्याज एक गरीब की खाएगा, फाके मरेगा ना। चलो उन्होंने मैट्रो कढ़ी, उन्हें लाया तो उन्हें खादा भी गए, मराहा ने की किया साढ़े लिए, कंडे बीज गया साढ़े लिए, खाना खराब कर दिया, मुल्क होया, बच्चे काम नहीं करते, बच्चे घर बैठे हैं ना, कारोबार है, सिल्वर महंगा, सिल्वर वो की कर रशा दे बच्चे चलाने, पैसे नहीं इन्ने आते, आदमी 700-800 रुपया कमा के लिया, उद्दे किराया देना, बिल देना, रोटी भी खानी, तो मुल्क का तेल इन्ना महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल महंगा, वो किराया भरेगा जब किराया बच्चे का पेट पूरा करेगा? यार तो मैं परेशान हाँ, मैं चाइना स्कीमों आई हैं देखो प्याज लैन वास्ते, वो कहते 150-180 हांडी की पकावे, अंदर घ्यो भी पैंता, मिर्चा भी पैदा, मुल्क गरीबा ने तो कोई नहीं सोचा। तो क्या क्या लेने आई हैं आप और कितने पैसे लेकर आई हैं, आपको लगता है कि उतने में सब्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, 500 लेके आई हैं, परेशान होकर वापस चली हैं, उनके आटा भी लैना है, घ्यो भी लैना, मिर्चा भी लैनिया, लून भी लैना, तो उनके की करांगी मैं? 200 रुपये। हाँ जी हाँ जी, उनके अदा की करांगी मैं, 8 बच्चे खाने वाले तो कितों मैं पूरा कराँगी, कितों मैं तुरी हूँ, टरेट हड्डे तो पैदल तुरी हूँ सिंगापुर। तो वहाँ से आप कहाँ से आई हैं अभी? मैं चाइना स्कीम टरेट हड्डे तो। अच्छा, तो वहाँ से चल के आप यहाँ पर आई? इतने आई हूँ मैं, कह चल इतों मिल जाएगा, नहीं मिला मैं परेशान होकर वापस चली हूँ। मेरे पास इतने हैं बस। ये लेकर आई हैं और इस उम्मीद से आई हैं कि यहाँ पर इनको जो है वो सब्ज़ी भी मिल जाएगी, वो कह रही हैं कि आटा भी लेना है, बहुत चीज़ें लेनी है। आवामी परेशानी जो आपके सामने, आगे बढ़ लेते हैं मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सब्ज़ी मंडी आए हैं, क्या क्या लिया अभी तक? अभी तो देख ही रहे हैं क्या लेना क्या नहीं, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं अभी क्या लेना है, हल्की चीज़ है वो गंदी है, तो जो अच्छी है उसका रेट अलग है,
ये कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या करें। सब्जी मंडी आया जाता है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो यहाँ पर भी खराब गंदी, तो वो रेट भी उसी तरह गई है। एक शापर फालतू नहीं देते भाई, वो गिर जाए वो गाहक का नुकसान है, ये हालात है, मजबूरी है, क्या करें। या क्या करते क्या हैं आप अभी? तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि कारोबार है ही नहीं, एक दिन कर लिया और दो दिन खा लिया, ये स्टोरी है, क्योंकि हर बंदे की मजबूरी है। आप भी माशाल्लाह टीवी में आती हैं, देखती हैं क्या हालात है, तो अवाम के तो फिर हालात आपके सामने ही हैं, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अब हुक्मरानों को यही चाहिए कोई होश के नाखून ले ले, यही बेहतरीन हाल है। क्या लगता है होश के नाखून जो हैं कुछ लिए जाएंगे? ना ना ना, हमने जो दौर देखा है ना, हमने भट्टो साहब का भी दौर देखा है, यही कुछ था, कुछ नहीं मिल रहा, पैसे लेके फिर रहे हैं। आज भी वो स्टोरी, रोटी कपड़ा मकान है, उस वक्त भी नारा था, आज भी नारा, यही कुछ चल रहा है। हमें तो नज़र नहीं आता कि भी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, ये है देख रहे उस वक्त से अब तक देख रहे, क्योंकि भट्टो के दौर में भी उन्होंने देखा गरीब आवाम है, रोटी कपड़ा मकान, खान साहब ने भी यही, मियाँ साहब ने भी यही, आवाम देख ले पीछे लगी भी है। हाँ, यानी जितनी आपने कहा है, जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी जमातें आई हैं, एक ही नारा लेकर आई हैं, लेकिन उसको भी पूरा नहीं, आज तक पूरा ही नहीं हुआ, गरीब आदमी उसके पीछे लगा हुआ, क्योंकि उनकी मजबूरी समझ लें कि कुछ लालच दिमाग में, हमें शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन चुन रहे हैं जी? बैंगन चुन रहा हूँ। क्या लगता है कुछ कीमत सस्ती है बैंगन की? बस नॉर्मल है, क्या करें, हर चीज़ महंगी आ गई है, बैंगन की क्या बात की जाए जी। तो क्या क्या लिया है अभी तक आप? फिलहाल तो बैंगन ही शुरू किए हैं। तो क्या कीमत बता रहे हैं इसकी? 130 बता रहे हैं जी। तो अभी बाकी क्या क्या चीज़ें लेंगे? अदरक लेना है, शलजम लेने हैं, शलजम वो निक पड़े हैं तकड़ी है बस। तो क्या लगता है आपको कि सब्जी मंडी में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें सही मिल जाती हैं, क्वालिटी वगैरह सही? जी जी, क्वालिटी यहाँ पर ना चुनने की इजाज़त दे देते हैं, बाहर ना परमिशन नहीं होती कि हर आइटम को हाथ लगाएं। जी जी बिल्कुल, ये फ़र्क होता है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई पर ही हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हर चीज़। मैडम ना मैं कुछ कर सकता हूँ इसका, ना कुछ आप कर सकते हैं, ये तो बड़े लोगों ने करना है फैसला, जो हो गया बस चलेगा, गुजारा करना है। तो कैसे गुजारा जब हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा, बिजली के बम गिरा दिया जाएगा, तो एक गरीब आदमी हमारे जैसा कहाँ जाएगा? बस सांस चलता रहे मैडम, चलते चलेगा, सब कुछ चलता रहेगा मैडम, ये ऐसे ही है, मरना किसी ने नहीं है, जीते रहना बस, जरा सिस के जी लेंगे, यही बात है। ठीक है, थैंक यू, करने दे काम। थैंक यू सो मच जी, आप चुने अपने नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? बस ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ रेलवे। ठीक है, तो कैसे जा रही है आजकल जॉब? अच्छी जा रही, शुक्र अल्लाह। ठीक है, तो ये बच्चे आपके हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी ये स्कूल गोइंग तो नहीं है, छोटे ही हैं अभी, घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर पे ही रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों के खर्चे भी अलग होते हैं, आपने डायपर्स लेने होते हैं, उनका दूध लेना होता है, हर चीज़ लेनी होती है, वो लेना। क्या लगता है कि बाकी चीज़ें जो है सब्ज़ी मंडी में आप आए हैं, यहाँ पर भी लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर भी रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें क्या इतनी आमदन होती है कि अखराजात ये सब पूरे हो सके? बस मजबूरी आ जाते हैं इधर, तो ये फ़ायदा कि इकट्ठी सब्ज़ी बंदा लेके चले जाता है, तो ये फ़ायदा क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, तो इसलिए इधर ही आ जाते हैं इकट्ठी, यानी कि सब्ज़ी लेके ना हम चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? बस शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का काम मेरा। ठीक है, तो कैसा चल रहा है काम? काम ठीक है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई चीज़ भी नहीं, मतलब आप कहते हैं ना खरीदने को जाए, किसी बच्चे का चीज़ दिल कर ही पैसा है, कोई चीज़ खाना हो पीना हो, ये 10 लोग कितनी दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया, मतलब मैं मेरा ख्याल आप 10 दफ़ा देख बैठा हूँ, कोई भी मिलता है ना, मैं आगे होता हूँ, खुद आगे होता हूँ, चलो यार कुछ अल्लाह कर कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं आना बहन मेरी, इस वजह से कि कुछ इसका हल निकाल लें, तो अपने कुर्सियों की वजह से बैठे हुए हर बंदा कहते मेरी कुर्सी बच जाए वो बेहतर है, कोई भी आता है कुर्सी के बदले में आता है, कोई चलो यार मैं अपना कुर्सी बचाऊँ, कोई हर चीज़ में देख लें, ये केला देख लें तो 200 रुपये दर्जन तो होगा आज, इसी तरह और आप फ्रूटर देख लें, आगे रोज़े माशाल्लाह आ रहे हैं, डबल ट्रिपे रेट हो जाएंगे इसके, ऐसा ही है ना। और अगर आप कहें ना कि यार आटे की लेने पे, आज मैं खबर दे रहा था मुल्तान की, तो वहाँ पे
धक्के लग रहे हैं, गरीब आवाम गिर रही है, फिस रही है, समझ लें गरीब आवाम फिसती है, तगड़ा बंदा कोई भी नहीं फिसता। हर जगह पे यही हाल है भाई, आप जहाँ कहीं भी देख ले आवाम जो है वो पिसती रही है बेचारी। गरीब करेंगे वो बलिया वाला बैठा हुआ है, ठीक है जी। आज इसका 480 रुपये किलो है, मतलब एक 30 दिन निकालने रोज़ों में एक किलो बली निकलती है, मुझे बताया जरा किलो की होनी घी 600 रुपये किलो घी हो गया है। घी की सूरत हाल गलत हो गई है, आटे के समझ लो जिसका काम है वो 100 रुपये को बेच रहा है। आज चीनी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, आज चीनी देखें कि 120 रुपये किलो है, ठीक हो गया है। महंगाई की वजह से लोग चोरियाँ कर रहे हैं भी हो रही है, लोग पैसे रहे हैं मार मार कर रहे हैं, कहते यार लें बस कोई जेब कतरी काट लें, कोई मसले मसाइल काट लें, ये देखेंगे महंगाई कम होगी चोरियाँ नहीं होंगी, ठीक हो गई। महंगाई कम कैसे हो गई, मसाइल तो बेतहाशा है कैसे कम? मेरी बहन बात सुने कि अब कम कुछ भी नहीं हो सकता, अब जितना मर्जी जोर लगा लें। तो मैं भी माशाल्लाह दो टाइम के बच्चों के लिए बड़ी कोशिश करता हूँ यार बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाया जाए, ठीक हो गया, कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से पता नहीं हमारे लिए कैसा वक्त आ गया 2023 जैसे ही आया ना कि आज ट्रिपल यार चीज़ महंगी हुई है, लोग मंडियों के पास चले जाएँ यार ये चीज़ दे दो यार, ये 200 रुपये दर्जन है, वो निकला था 200 रुपये दर्जन निकला था बाहर, अगर आप सस्ता दामन में निकले बाहर लेके निकलें तो नहीं जी माल है नहीं। क्वालिटी लगता है कि सही है? क्वालिटी की बात नहीं है कि अगर ये देखें 200 रुपये दर्जन केला बेच रहा है, ये सेब बेच रहा है, ठीक है जी किलो सेब बेच रहे 200 रुपये किलो सेब बेच रहा है, तो कहते हैं ये 200 रुपये में दे दो तो दे देते हैं, तो मंडी वाले देखेंगे कम प्राइस होगी ना तो कभी भी नहीं देंगे, पर महंगे में महंगा बेचेंगे ना कहेगा यार महंगा महंगा हो गया, वो एक को बिस्त करेंगे दूसरे को वो यार सबने अपने अपने रेट्स रखे हुए हैं, एक जगह पर मंडी है, सबने कहा है कि इस चीज़ का हम इतना ही रेट लेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक। ये सारे रेट इतने ज़्यादा आप कर दिए, इन्होंने आम आदमी के रेंज में नहीं है ये, हाँ बंदा कैसे लाइफ को जो है ना वो करे। तो इन आगे रमज़ान आया है, कोई रमज़ान पैकेज लग जाए जो गरीबों को ज़रा हो जाए, हाँ तो ये इतनी महंगी, ये सेब इतने महंगे हो गए, हर चीज़ जो ये ज़्यादातर तो ऑयल का है ना, ये घी इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे और बगैर घी के खाना बनता ही नहीं। हाँ मुझे यही बताएं, खाना भी बनाती होंगी, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई या हर चीज़ इतनी महंगी हो गई? महंगी हो गई सब्जियाँ दालें हर चीज़ महंगी हो गई, गरीब क्या बनाए क्या करे, ये तो पे आ गए हैं गरीब, तो इनको चाहिए ना हुकूमत को चाहिए ना कुछ थोड़ा बहुत, चलो आगे रमज़ान आया है कोई खुदा खौफ ही कर लें उनके लिए, कोई थोड़ा बहुत जो है ना रिलीफ दे दें उनको, लेकिन वो पता नहीं अब क्यों नहीं है। तो यहाँ आप क्या लेने के लिए आए? हम कुछ फल लेने आए हैं, सेब लेने आए हैं, सेब इतने महंगे कर दिए सेब, हाँ जी, और हाँ जी और सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। ये है कि अगर रमज़ान में थोड़ा सस्ता कर देंगे ना, चलो कोई गरीब बंदा रोज़ा खोलेगा दुआ ही देगा, हाँ लेकिन तो फिर ज़्यादा ही होते हैं बाद में, तो रमज़ान में तो सबने रोज़ा रखना होता है, फल सब्ज़ियाँ फ्रूट चाट बनानी होती हैं, वो भी बहुत महंगी होती है, वो भी बहुत महंगी, चावल इतने महंगे, जारी बात है रमज़ान में लोग चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, चावल इतने महंगे, दालें इतनी महंगी, तो ये आगे खजूरें इतनी महंगी, हर चीज़ महंगी है, रमज़ान में क्या करेगा बंदा, हाँ रमज़ान में इतना परेशान हो गया। दूसरा ये कि हुकूमत को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, इस तरह नहीं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और वो सोए हुए हैं, हुक्मरान सोए हुए हैं, उनको कोई मसला नहीं है, गरीब चाहे पीस जाए चाहे जाए खुदकुशियाँ कर रहे, लोग बिल इतने इतने आ रहे हैं देख के खुदकुशियाँ, आगे तो गर्मी आनी है वैसे ही बेहोश हो जाएंगे बिल देख के, हाँ बिल देख के भी होने, और दूसरा बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है, अब कई गरीब बेचारे बीमार जो मरीज़ हैं वो बगैर एसी के या बगैर पंखे के नहीं रह सकते, लेकिन वो मजबूर हैं क्या करें, लेकिन हुकूमत को ना हर किसी हर गरीबों का ज़्यादातर ख्याल करना चाहिए,
ये हुकूमत पता नहीं ये जाती है तो आगे कोई आती है कोई हमारे पाकिस्तान का कोई अच्छा जो है ना वो सरबरा आए ताकि पाकिस्तान ज़रा सारी दुनिया में यकीन करे पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है अब। हाँ नहीं तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान की थी, अब कोई वैल्यू नहीं है, अब जो मर्जी आता है वो पाकिस्तान को जो मर्जी कह जाता है। हाँ तो परेशानियाँ जो हैं वो आपके सामने है, बहुत शुक्रिया। आप भी परेशान लग रहे हैं क्या? हाँ बाजी महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह तो परेशान है, माड़ा बंदा एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता, ठीक है, तो माड़े बंदे की कोई गल नहीं सुनता पाया। इन वास्ते साड़ी अर्ज है जेडे बादशाह ने साड़ी कोई गल सुन माड़े लोगों की तो अं खुशहाल हो जाइए, अं बहुत तंग हो गए थे हम तो इन्हों सलाम है, अल्लाह पाक लेखता है अद्धे माड़े लोगों की गल सुन लैन। ये बताएं इनको हदायत कैसे आएगी, कब आवाम का अल्लाह पाक की हदायत पाएगा तो आनी है, नहीं तो नहीं आनी, इस तरह गल अल्लाह हदायत देगा इन्हों तो साड़ी ये माड़े लोगों की गल सुन गए, माड़ा बंदा जरा ना समझो गया रोटी नहीं खा सकता, ठीक है, 15 रुपये की रोटी है 100 रुपये की सब्जी है ये 2 रोटियां नहीं बंदा खा सकता, मजदूर आदमी एक टाइम रोटी खाए तो रुपया 200 चाहिए बाहर, इतना महंगा हो गया 550 प्याज इतने महंगे किलो 600 रुपये किलो घी हो गया, की कहेगा माड़ा बंदा मजदूर की जी 800 रुपया दिहाड़ी है वह की खाएगा, वो बच्चों का ढिड पाले जा भैन भरा भैन भरा मिल भी नहीं सकता जा भी नहीं सकता, किराए बहुत पहले तो ये होता था कि बहन भाइयों में कोई एक मुश्किल में होता था परेशानी में होता था दूसरा उसका साथ नठ के जाना, हूँ फौजगी होगी उतने नहीं जा सकता बंदा माड़ा बंदा जा सकता, किराया होएगा पल्ले तो जाएगा ना, जे किराया नहीं होएगा तो की लै जाएगा किस तरह जाएगा बेचारा, वह जोड़े रिश्तेदार वो छुट जाते हैं माड़े बंदे रिश्तेदार भी छुट जाते हैं भैन भरा छुट जाते हैं, सीधा नहीं गल तो इन्हों अला पाक ने एक हदायत पा दे साढ़े जोड़े बादशाह ने साडे साहब ने उत्ते अला पाक ने उन्होंने साडा साहब बना के भाले था, इन्हों अला पाक ने एक हदायत दे तो माड़े लोगों की कोई सुनाई हो जाए नहीं तो। ठीक है जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक, क्या चल रहा है आजकल रेट? ये बड़े गोश्त का रेट 800 रुपये चल रहा है तो, और छोटे का? छोटे का तकरीबन 1850 रुपये किलो तो मंडी में बिक रहा है, आगे दुकानों पे 2000 रुपये सेल हो रहा है। जब इतने ज्यादा रेट हो गए हैं मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोग आते हैं खरीदते हैं, ये ज़ाहिर है महंगाई इतनी हो गई है हमारी सेल में भी फर्क पड़ गया है, अब लोग परेशान है इतनी महंगाई है किधर से खरीदारी करेंगे। आज पूरे दिन की अगर बात कर लीजिए आज कितनी सेल? आज तकरीबन कुछ भी नहीं सेल की, आधा का बिका आधा का पड़ा हुआ है, नहीं तो ये होता था आगे 550-600 रुपये किलो होता था हमारी दुकानदारी अच्छी हो जाती थी, लेकिन रेट बढ़ने से ना दुकानदारी में काफ़ी फर्क पड़ गया है। क्या वजह इतनी ज़्यादा मुसलसल महंगाई होती जा रही है, आपका भी इतना नुकसान होता जा रहा है, रेट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, गुजारा तो आपने भी करना होता है घर का, फिर कैसे पूरा? ये चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए ना पीछे कंट्रोल करे, गवर्नमेंट पीछे कंट्रोल नहीं करती, जाहिर है फिर पीछे से दुकानदार को जैसे मिलेगा दुकानदार ने अपने 10-20-50 रुपये प्रॉफिट रख के बेचने, आखिर दुकानों के अखराजात भी हैं, लड़कों लड़के भी काम करते हैं तो जाहिर है सारे अखराजात इसमें से निकलने हैं। फिर कितने लड़के काम करते हैं आपके? सर 3 लड़के काम करते हैं, उनको एक एक महीने का उनको भी देना होता है, बाकी बिल भी यहाँ का देना होता है, जाहिर है फिर सारे खर्चे दुकान में से निकलने हैं, ये अगर 10-20-50 रुपये किलो का मार्जिन नहीं होगा तो हम कैसे खर्चे निकालेंगे? क्या चीज़ें लगता है बेहतर होंगी, रेट कुछ कम होंगे आगे रमज़ान आने और ज़्यादा महंगाई? ये पाकिस्तान है मुसलमानों का मुल्क है, इधर रमज़ान आता है तो रेट बढ़ जाते हैं कम नहीं होते। कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, क्यों प्राइस कंट्रोल में मजिस्ट्रेट्स नहीं आते, वो आके नहीं देखते कि रेट्स के खिलाफ वर्जी हो? पीछे से कंट्रोल करें ना, पीछे नहीं अगर कंट्रोल होगा आगे क्या करेंगे, इनको चाहिए पीछे कंट्रोल करें मंडियों में कंट्रोल करें, अब 1850 रुपये किलो 1900 रुपये किलो बकरा मंडी में सेल हो रहा है तो दुकानदार आगे क्या भाव बेचेगा, 750 रुपये किलो मंडी में सेल हो रहा है बड़ा गोश्त, ज़ाहिर है 10-20-50 रुपये दुकानदार ने भी अपना मार्जिन रखना है। अच्छा मैं
ऐसे क्या वजह है? हर कोई जिससे बात करें वो कहते हैं पीछे से महंगाई है, पीछे से महंगाई है। मंडी में भी जाकर हमने बात कर लिया, वो भी कहते हैं कि पीछे से इसी तरह से आ। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना पीछे कंट्रोल करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका।